हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल यशोदा किचन में आपका स्वागत है। तो आज है जन्माष्टमी, तो फ्रेंड्स हम अपने कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। तो सुबह के ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा था, तो मैं स्नान करा रही हूँ, उनको नहला धुला रही हूँ। उसके बाद मैं इनको रेडी करके झूले में बिठा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों कान्हा जी को स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद मैं इनको साफ़ पानी से भी स्नान करा दिया था। उसके बाद मैंने इसमें अपने जो गणेश जी को भी नहलाया है, आज उनको भी मैं रखूँगी, मतलब अपने पूजा के जो जगह पर, इनकी जहाँ मैं झूला झुलाऊँगी पूजा करूँगी, वहाँ पर मैं गणेश जी को भी रखूँगी। तो फ्रेंड, ज़्यादातर लोगों को जो मैंने अपने कपड़ों वाली कान्हा जी की ड्रेस वाली वीडियो बनाई थी, उसमें ऑरेंज वाली ड्रेस सबको पसंद आई थी, तो मैंने कान्हा जी को उसको ही पहनाया है, ऑरेंज वाली ड्रेस को। और फ्रेंड्स, अब की बार मैंने कान्हा जी का जो है श्रृंगार पहली बार किया था, बहुत सुंदर लग रहे थे कान्हा जी श्रृंगार में रेडी होके, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है, ज़्यादा तो नहीं कर पाई सजावट, थोड़ी सी ही की है मैंने। और पिछली बार थोड़ा अच्छा कर लिया था, लेकिन इस बार मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि छोटी सी बच्ची है मेरी 8 मंथ की, तो ज़्यादा काम वगैरह नहीं कर पाती, सजावट वगैरह ज़्यादा नहीं करने देती, वो परेशान बहुत करती है। तो अब मैंने यहाँ पे अपने कान्हा जी को रेडी करके बिठा दिया है झूले में। फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये लगभग 2 के आसपास बज रहे थे, 2 बज रहे थे उस टाइम मैंने कान्हा जी को झूले में बिठा दिया था। तो मैं यहाँ पर कान्हा जी का जन्म वगैरह नहीं कराती हूँ, मैं ऐसे ही तैयार करके रेडी करके झूले में बिठा देती हूँ, और बाद में इनको शाम को 12 बजे भोग लगा देती हूँ। तो मैंने कान्हा जी का, देखिए, छोटे वाले कान्हा जी का भी श्रृंगार किया था, और बड़े वाले कान्हा जी का भी, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। और इनका, इनको थोड़ी सी डेकोरेशन करने के बाद, अभी आधी ही सजावट हुई है, बाद में मैं शाम को फिर से करूँगी 4 बजे करीब, जो बाकी की रह गई है गुब्बारे वगैरह लगाऊंगी। तो अभी हम अपने जो है राधा जी को रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद मैं अपनी राधा रानी को दिखाऊँगी, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये भी। ज़्यादा देर के लिए तो नहीं तैयार हो पाई थी, मतलब थोड़ी देर के लिए इसने कपड़े पहने थे, फिर उतार दिए थे। तो चलिए, हमारी राधा रानी रेडी हो चुकी है। तो मैं अभी राधा रानी का दूसरा रूप भी दिखाऊंगी कान्हा जी का। उससे पहले आप मेरी जो बची हुई डेकोरेशन थी वो भी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो बचा हुआ था थोड़ा सजावट का, मैं जो रह गया था वो भी आप देख लीजिए। मैंने इसमें गुब्बारे लगा दिए हैं, लड़ियां लगा दी हैं, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब हमारा जो सिंपल सा लग रहा था वो बहुत अच्छा लुक आ गया उसका, मंदिर का, हमारे कान्हा जी के दरबार का। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़े से गुब्बारे लगा दिए हैं और लड़ी लगाई हैं, उससे ही बहुत सुंदर लग रहा है हमारे कान्हा जी का दरबार। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम अपने जो है लड्डू गोपाल को तैयार कर लेंगे। छोटे लड्डू गोपाल जो है मेरी गुड़िया है, उनको भी तैयार कर लेंगे। राधा जी का तो अवतार आपने देख लिया उसका, अब कान्हा जी का भी देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं लगा था डेकोरेशन में, थोड़ा सा ही टाइम लगा था, क्योंकि कुछ सामान मेरे पास जो है पहले का ही सजा रखा हुआ था पिछले साल का, जैसे कि पीछे जो मैंने लगा रखा है सीट्स, वो पहले की तैयार थी, और ये जो झूला है वो भी पहले का तैयार था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी भी रेडी हो गए हैं, और कितनी सुंदर लग रही है, कान्हा जी के रूप में भी बहुत सुंदर लग रही है। तो आप हमारे कान्हा जी को इंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में पूजा के टाइम पर।
फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 12 बज चुके थे, कान्हा जी का जन्म हो चुका था। तो अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब भोग की तैयारी करने लग गए थे। यहाँ पे मैंने जो जला दी है, तो फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा अच्छा ब्लॉग नहीं बनाया है, मुझे पता है, क्योंकि बच्चों के साथ नहीं हो पाता, पता नहीं कैसे कर लेते हैं सब, लेकिन मुझसे तो नहीं हो पा रहा। तो जितना भी जैसे भी बना है ब्लॉग, तो फ्रेंड्स बस ऐसा ही बना है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स ये है भोग की थाली। तो यहाँ पे भोग की थाली में मैं चटनी है और खीर है और प्रसाद है, धनिया की पंजीरी है, आलू की सब्जी, पूड़ी है, और यहाँ थोड़े से फ्रूट्स रखे हैं मैंने। इसमें खीरा है, संतरा है, मतलब 5 फल हैं वो मैंने रखा है। जो खीरा ज़रूरी होता है वो भी मैंने रखा है इसमें, और मक्खन भी है, तो जो जो कान्हा जी को पसंद था। सैलेड है थोड़ा सा, फ्रूट सैलेड, तो वो सब मैंने रख लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इन सब का अब कान्हा जी को भोग दे दूँगी। हमारे कान्हा जी का जन्म हो चुका था, अब हम उनको भोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करके उसके बाद कान्हा जी को भोग दे देंगे। यहाँ पे हम पूरा परिवार मतलब कर रहा है पूजा कान्हा जी की। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है इतना ही, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।